खुराना, फेमस रॉक स्टार रुद्राक्ष खुराना की वाइफ, जिनके ऊपर इल्जाम है सानिया ठाकुर के खून का, जो कि बिग शॉट बिजनेसमैन अरमान ठाकुर की वाइफ है। आगे के इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस ने प्रशा को हिरासत में ले लिया है। हम आपको बता दें कि रुद्राक्ष यहाँ अपने लाइव कॉन्सर्ट के लिए आए थे। उन्होंने बहुत बड़े ब्रेक के बाद कमबैक किया है, लेकिन ये मर्डर और उसका इल्जाम उनकी वाइफ प्रशा पर, इसने उनके पर्सनल लाइफ के साथ साथ उनके करियर पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। हे भगवान, मेरा दिल कह रहा था कुछ तो गलत हो रहा है, वहाँ कुछ तो गड़बड़ है। क्यों याद नहीं है मुझे कुछ, क्यों याद नहीं है मुझे कुछ, क्यों याद नहीं, इतना नशा कैसे हो गया मुझे, नशा कैसे हो? नहीं, मुझे मुझे याद करना पड़ेगा सब कुछ। नहीं याद आ रहा कुछ भी, क्यों? मैं जानता हूं प्रीशा ऐसा नहीं कर सकती, उसके लिए मुझे पता करना पड़ेगा वहां रूम में हुआ क्या था, पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? माँ? हाँ माँ। रुद्र, मैंने अभी अभी टीवी पे देखा कि प्रीशा को अरेस्ट किया गया है सानिया के मर्डर के लिए, क्या ये सच है? हाँ माँ, ये सच है, लेकिन हमारे प्रीशा ने कुछ भी नहीं किया, उसने कुछ नहीं किया। मुझे पता है, इसलिए तो मैं पूछ रही हूँ, हुआ क्या है? पता नहीं माँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है। हुआ क्या बेटा? माँ वो उठाओ, उठाओ पानी को, तुम्हारी वजह से झूठ बोल रही है। किसने तुम्हें सानिया को साथ में देखा और इसने इसने उसका मर्डर कर दिया, देखो उधर। कल तो बच गया तू। चलो ले चलो, ले चलो दोनों को। उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं सानिया के रूम में जागा और देखा कि पुलिस प्रीशा को अरेस्ट कर रही है। उसके बीच में क्या हुआ मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ मगर मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। माँ, इसका मतलब तू ये कह रहा है कि सानिया की मौत का इल्जाम प्रीशा ने अपने सर के ऊपर ले लिया? हाँ माँ। और अरमान प्रीशा की जगह तेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है? हाँ। रुद्र, मैं कह रही हूँ अरमान की वजह से ये सब हुआ है, उसी ने ये सब किया है, वो ही इन सब के पीछे है। नहीं माँ, वो ये सब क्यों करेगा? मैं मानता हूँ मुझे पसंद नहीं करता और वो मुझे और प्रीशा को अलग करना चाहता है, लेकिन लेकिन सानिया उसकी वाइफ है, वो अपनी वाइफ को थोड़ी मार देगा। नहीं नहीं, वो इस सिचुएशन का फायदा जरूर उठा रहा है, लेकिन उसने ये किया नहीं है, ये कोई और ही है। नहीं नहीं रुद्र, और कौन कर सकता है? सानिया को मारकर और किसको फायदा होगा? पता नहीं माँ, पता नहीं, लेकिन मुझे पता करना पड़ेगा, मुझे किसी भी हालत में पता करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे प्रीशा को जेल से बाहर निकालना है कैसे भी करके, और मैं पता करके रहूंगा। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। नहीं नहीं, बच्चों को पता नहीं होना चाहिए कि प्रीशा अरेस्ट हुई है, वरना उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। टीवी का प्लग निकाल देती हूँ। हे माता रानी, मेरे बच्चों की रक्षा करना। रुद्र, बस प्रीशा को निकाल दे इन सब में से, सब ठीक कर देना। सब गड़बड़ हो गया, अरे पूरा टूर बर्बाद हो गया इस मर्डर की वजह से, कितना बड़ा लॉस हो गया। विल यू शट अप? मैं यहाँ प्रीशा के लिए वरीड हूँ, वो जेल में है और तुम्हें लॉस दिख रहा है? मुझे तो सानिया मैडम की लॉस दिखाई दे रही है आपके लिए, पर आपको तो अपनी वाइफ की नहीं, रुद्राक्ष की वाइफ की पड़ी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही ने? क्या बोला तुम्हें? मैं अपनी वाइफ को मारूंगा? अरे मैं ऐसा कब कह रहा हूँ, मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि आप ही रुद्राक्ष को बर्बाद करना चाहते थे ना, तो उसके लिए अपनी पत्नी को मार दूंगा मैं। रुद्राक्ष का करियर खराब करना था मुझे, सानिया को नहीं मानना था, यू इडियट। और मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि सानिया को खो दूंगा और प्रीशा सब में फंस जाएगी, क्योंकि प्रीशा ये सब कर ही नहीं सकती। मैं तो खुद सोच सोच के परेशान हूँ कि सानिया को किसने मारा। पर अरमान सर, उस दिन रूम में तो आप ही थे ना मैडम के साथ? नहीं, मैं रूम में नहीं था, यहाँ पे रिलैक्स करने के लिए आया था। गॉड नोज मेरी कैसे आंख लग गई, लग रहा है कि मुझे सानिया के पास ही होना चाहिए था। अगर मैं उसके पास होता तो बस
बचा लेता, उसके साथ ये सब नहीं होता। मैं तुम सही कह रहा हूँ, मैं नहीं मारा उसे, मैं नहीं मारा सानिया को। हेलो, ओके मैं अभी आता हूँ। सर पर मुझे क्या करना है, इंस्ट्रक्शन दे दीजिए। तुम्हें मैं बाद में बताता हूँ, अभी मुझे फौरन मोक जाना है। अच्छा तुम मुझे एक बार फिर बताना वहाँ क्या क्या हुआ था। कितनी बार बता चुकी हूँ, 5 बार बताए, फिर बताऊ कितनी बार बताना पड़ेगा आपको। बार बार बताना पड़ेगा, जितनी बार पूछूंगी उतनी बार बताना पड़ेगा। अभी तो सच सामने निकल के आया। मैंने बताया ना, मैंने ही मारा सानिया को। ओ आपने मर्डर किया है सानिया का, आपने मारा है। कैसे मारा? चाकू से। चाकू से? अच्छा बताओ कैसे मारा। इसको पकड़ के मार के बताइए कैसे मारा, मार के बताइए कैसे मारा। हाथ क्यों कांप रहे हैं तुम्हारे? हाँ चाकू से मारा ना उसको। मैंने चाकू पहली बार पकड़ा पुलिस के सामने। यार तुम तो बहुत अच्छा मजाक कर लेती हो, बहुत बढ़िया सेंस ऑफ ह्यूमर है आपका, बहुत मजाकी हैं आप। पर मैडम अब कुछ सीरियस बात कर लेते हैं। मुझे ये तो पता चल गया कि आपने कैसे मारा, और अभी मुझे ये बताओ कि आपने सानिया को मारा क्यों। कुछ मत बोलना प्रिशा। आपने मुझे इसलिए वकील लाने को भेजा ना, ताकि आप प्रिशा का स्टेटमेंट ले सके। बहुत गलत किया आपने। ये गैरकानूनी। अच्छा आप तो अब आप हमें बताएंगे कि क्या कानूनी है और क्या गैरकानूनी है। पुलिस वालों को सिखाएंगे काम। वाह बहुत जिगरा है आप में, और पर अपना ये जिगरा ना इन मैडम के लिए बचा के रखिए, इनको बचाने के काम आएगा। समझ आया आपको? वैसे सर आपको एक बात बता दूं, आपकी मैडम मजाकिया बहुत है, बहुत अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है। मैं तो बस टाइम पास कर रही थी, बहुत अच्छा टाइम पास हो गया। हाँ तो आप थोड़ा टाइम हमें भी दे दीजिए, प्रिशा को लॉयर से कुछ बात करनी है। बिल्कुल कीजिए, और अगर आप लोगों के बीच में कोई आएगा तो उसको मैं देख लूंगी। मैडम आप इस बार अपने लॉयर से बिल्कुल सच बोलना, क्योंकि मजाक ना हमेशा अच्छा नहीं होता, और थाने में तो बिल्कुल भी नहीं, जान पे आ जाता है।